हाईकमान नाल मीटिंग तो पहला बिना नाम ले वड़िंग दा सिद्धू ते वड्डा अटैक, बोले निजी विचार देने ता पार्टी छड़ के दियो, अनुशासन तोड़न वाले ते 100% होएगा एक्शन। अज दी मीटिंग दौरान पंजाब च आम आदमी पार्टी नाल गठजोड़ नूं लैके चर्चा करेगी कांग्रेस। राजा वड़िंग बोले हाईकमान अगे रखांगे वर्करां दी राय, उन्हां दा फैसला ही होएगा आखिरी, अजे तक सानू सारियां सीटां ते तैयारी करन दे ने निर्देश। इंडिया गठजोड़ च पीएम फेस दीआं अटकलां ते एनसीपी आगू शरद पवार वल्लों विराम, कहा चोणां च चेहरे नाल नहीं पैंदा कोई फर्क, इलैक्शन तों बाद ही होएगा तय। मुस्लिम भाईचारे नूं लै के दित्ते सुखबीर बादल दे बयान ते बवाल, बीजेपी ने साध्या तिखा निशाना, कहा अकाली दल दी सियासी जमीन हो चुकी है खत्म, बादल सरकार वेले हुईआं बेअदबियां दा जवाब मंगदा है पंथ। पटियाला शहर के विकास कार्यों नूं लैके सीएम भगवंत मान ने की मीटिंग, चल रहे कम्मां दी लई रिपोर्ट, बोले बहुत जल्द होर विकास प्रोजेक्टां दी करन जा रहे हां शुरुआत। दिल्ली च वीर बाल दिवस समागम च पीएम मोदी ने छोटे साहिबजादियां दी शहादत नूं कीता नमन, बोले अज नौजवानां नूं नशे तों बचाउणा होएगा, धार्मिक आगूआं ते संस्थावां नूं मेरी अपील, नशे दे खिलाफ चलाओ जागरूकता। खबर यूपी तो, यूपी के पीलीभीत च टाइगर रिजर्व तो बाहर आ गया एक बाघ, जंगल तो निकल के अटकोना पिंड दे विच इह बाघ पहुंच गया, गुरुद्वारे की कंध ते इह बाघ बैठा नजर आया और इस बाघ नूं देखण दे लई उते भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। जंगलात महकमे वालों जाल ला के एक सुरक्षा घेरा बनाया गया, पुलिस प्रशासन मौके ते पहुंचा होया सी, होर अधिकारी भी मौके ते पहुंचे हुए सी, लोग दीवारां ते चढ़ के कोठियां ते चढ़ के इस बाघ नूं देख रहे सी, हालांकि जाल दे नाल इसनू कवर किया गया सी ताकि किसी नूं नुकसान ना पहुँचा सके, पर ये बाघ आराम नाल ही खड़ा नजर आया, किसी वालों इस वालों कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया और बाद दे विच इस बाघ ने तस्वीरां यूपी दे पीलीभीत फ्रांस च तीन दिन एक जहाज नूं रोकिया गया और यह जहाज मुंबई पहुंचा है, फ्रांस तो इस जहाज नूं वापस मुंबई भेजा गया, अज सवेरे मुंबई एयरपोर्ट से यह जहाज लैंड होया, तीन दिन फ्रांस एयरपोर्ट से रुकिया गया, दुबई तो निकारागुआ के लिए यह रवाना होया सी, मनुखी तस्करी के शक के विच इस नूं फ्रांस के विच रोकिया गया, 300 के करीब यात्री इस जहाज के विच शामिल सी और फ्रांस के जिहड़े एयरलाइंस के अधिकारी ने या उत्थे जिहड़े उत्थे संबंधित महकमे के अधिकारी ने उन्हां नूं शक होया कि यह सारे डंकी ला के दूसरे देशों च भज्जन की फिराक सन या दूसरे देशों च जाण की फिराक च सन, सो उस तो बाद इन्हां तों पुछगिछ की गई और इन्हां नूं वापस भेज दिता गया, जिस तों बाद यह जहाज मुंबई पर गया। फ्रांस में जिस रोमानियन फ्लाइट को पकड़ा गया था मानव तस्करी के चलते और जहां पर 303 भारतीयों को रखा गया था उसे आज भारत लौटा दिया गया है। मैं इस वक्त मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं, आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो यहां पर वो फ्लाइट आज सवेरे 4 बजे लैंड हुई है जिसमें 276 भारतीय वापस लौट चुके हैं। आंकड़े 303 लोगों के थे लेकिन 276 वापस लौटे हैं, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर 27 लोग कहां पर हैं। तो जानकारी जो सामने आ रही, मैं आपको बता दूं कि 303 में से 25 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रांस में आवेदन दिया है कि उनको वहीं रहना है, उस प्रक्रिया को वहां पर पूरा किया जा रहा है जिसके चलते उन 25 लोगों को यहां पर भारत अभी तक नहीं लाया गया है। वहीं और दो लोगों की बात की जाए तो दो लोगों के खिलाफ जो वहां पर कार्रवाई होनी थी मानव तस्करी की वो बाकी थी जिसके चलते वहां पर उस कार्रवाई के चलते उन्हें वापस नहीं भेजा गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि ये बड़ी तस्करी के शक के तहत जिस तरह से फ्रांस में उस फ्लाइट को रोका गया था जिसमें 303 भारतीय थे जो दुबई से जो है फ्रांस गए थे और जहां पर ये पता चला कि बैटरी जो एयरपोर्ट है जहां पर ईंधन भरा रहा है फ्लाइट में और उसी के चलते उस फ्लाइट को वहां पर रोका गया। जांच की गई तो ये पता चला था कि यहां पर मानव तस्करी की जा रही है,
ऐसा संदेश अधिकारियों को मिला। फ्रांस के अधिकारी मामले की पूरी जांच किए तो पता चला कि गलत दस्तावेज के चलते कई ऐसे लोग हैं जो गुजरात, पंजाब और दक्षिण भारत के हैं, जो फ्रांस और अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, और इसी वजह से उन सभी लोगों को आज उसी जहाज से वापस भारत यानी मुंबई भेजा गया। यहाँ पर 276 नागरिक जो है वापस लौट चुके हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि 27 लोग अभी भी वापस नहीं लौटे हैं, जिसमें से 25 लोगों ने निवेदन दिया है कि उनको वहीं पर रहना है, और बाकी दो लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई थी, जांच की, वो बाकी थी, जिसके चलते उन्हें वापस नहीं भेजा गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बिना किसी पेपर के, बिना किसी दस्तावेज के इतनी भारी संख्या में लोग जा क्यों रहे थे, और जा रहे थे तो किसके कहने पे जा रहे थे, और इनके पीछे कौन कोऑर्डिनेटर था, क्योंकि दुबई से एक चार्टर्ड प्लेन करके 303 की संख्या में गलत तरीके से फ्रांस में जाना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब अथॉरिटीज़ जो है जांच कर रही हैं, और देखना ही होगा कि पूरे मामले में जांच के बाद क्या कुछ मामला सामने आता है। तो गल करते हैं देश के उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति दी, जो मुड़ हल्के फुलके अंदाज दे विच नज़र आए ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पानी वाले गिलास का राज खोलिया अपने भाषण के दौरान, और उन्होंने कहा कि यह पानी का गिलास नहीं, यह सुनेहा है। जो मैं बोलन तो रोकना हो गिलास रख दिता जाता है, तो जो टाइम पूरा हो जाता है मेरा OST गिलास भिजवा दिता है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ MDU रोहतक की कॉन्वोकेशन शामिल हुए स। There cannot be a more powerful think tank than Illuminati. और आपसे विदा लेते हुए एक सीक्रेट करता हूँ, पानी वो तब रखते हैं जब उनको पता लगता है कि मैं समय से आगे निकल गया हूँ। ये पानी पीने के लिए नहीं रखते हैं, पानी पीने की आवश्यकता होती तो पहले ये ग्लास था। तो इसके लिए मैं मेरे OSD साहब को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आगाह करते रहते हैं कि लक्ष्मण रेखा को पार मत करो। देर कैन नॉट बी अ मोर पावरफुल थिंक टैंक देन Illuminati। और आपसे विदा लेते हुए एक सीक्रेट करता हूं, पानी वो तब रखते हैं जब उनको पता लगता है कि मैं समय से आगे निकल गया हूं। ये पानी पीने के लिए नहीं रखते हैं, पानी पीने की आवश्यकता होती तो पहले ये ग्लास था। तो इसके लिए मैं मेरे OSD साहब को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आगाह करते रहते हैं कि लक्ष्मण रेखा को पार मत करो।